hello everyone welcome to study time in this video we are going to see class 4 Hindi chapter 10 tappa roti tappa dal textbook solutions and its explanation in English we are going to see this chapter textbook explanation koi aur sheet so any other title sheet check meaning is title roti dal so why is the name of the play तप्पा, तप्पा दाल सो so, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहिए सो वॉट लाइक टू टाइटल यू गिव सो वुड बी नाटक का नाम तप्पा रोटी तप्पा दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं so, since they were playing, uh, Game of uh, making uh, roti and dal, so it was named as tappad roti and tappad So, if you want to give another name, you can also write your uh, name like pakaye roti dal or chorbilli So, you can give your own title for this um, lesson or story. Next, avajvale shabd. So. सो so यर uh, तप्पा रोटी तप्पा दाल सो दिस इज अउंड वर्ड सो द वर्ड तप्पा साउंड लाइक सम काइंड ऑफ नॉइस सो तप्पा शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है आवाज़ का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं जैसे टप कट ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो So here, um, tapa is a sound word. So it is making a uh, noise. There are many other words like tap, cut. You can also write some similar words. So here I have written uh, pat, chat, tan tan, uh, fat fat. You can also write zer zer So similar way you can uh, write your own own words. Kaun kaun se khel? इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हैं हो उनके नाम लिखो सो हियर इन दिस सो हियर इन दिस प्ले चिल्ड्रन प्ले अ गेम ऑफ मेकिंग ब्रेड सो व्हाट यू एंड योर फ्रेंड्स विल प्ले So you are going to write the. Uh, you can write their names. What you and your friends will play. So count count means which games. So you you can write uh, your own games that you play with your friends like kabaddi, koko, cricket, um, pakdam, paka, pakdai meaning is catch hold, badminton, ank Michauli meaning is um, um,

वो अवॉर्डेड नीना डेडस व्हाई वुड नीना वॉन्ट मेक नीना वांट चिंकू एंड टिंकू टू चिन्नू एंड टिंकू टू मेक लेंटल्स नीना चुनू और टिंकू से ही दाल इसलिए बनाना चाहती होगी क्योंकि उसे पता था कि ये लड़के हैं और उन्हें दाल बनाना तो दूर आग जलाना भी नहीं आता इसने दाल बना बनवा वह उन्हें परेशान करने चाहती थी उनका मजाक उड़ाना चाहती थी सो वॉट नीना डेडज सो नीना आज चिंकू टू मेक चिंकू एंड टिंकू टू चुनू एंड टिंकू टू मेक अ बिकॉज शी नो दैट दे आर बॉयज एंड एंड शी ऑल्सो नोज दैट दे डू नॉट मेक फायर सो शी वॉन्टेड टू

So this part is चींके सो so बच um, बच्चों ने खाने पीने की चीज चिंकी में इसलिए रखी ताकि कोई उन्हें कहा ना जाए सो चिल्ड्रन केप द फूड आइटम्स इन द चीं के बिकॉज नो वन विल नॉट ईट देम सो दट वाई द केप्ट इन द नेक्स्ट चुनू ने दाल को पहले कट्टा फिर मीठा क्यों बताया डिस्क्राइब दाल एज सोर देन स्वीट चुन्नू ने दाल को पहले कट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों के को चिड़ाना चाहता था सो चिन्नू टोल्ड दैट टोल्ड देंट इज एज सोर फर्स्ट एंड स्वीट बिकॉज यू टू

first uh, column you are going to write who makes food so here you have to write who makes food so here you are going to write who makes food so here you uh, you, you are going to write what uh, help can be done and what help you are doing see uh, mummy sabji ko uh, sabji um, do sakta hun. so mummy can wash vegetables salad काटता हूँ सो आई कैन कट दैलेड फॉर इट सो दादी सो दादी फॉर दादी आई कैन हेल्प इन कटिंग द सैलेड सो वॉट हेल्प आई एम डूइंग इस सब्जी धोता हूँ सो आई वॉश वेजिटेबल्स पापा सो कभी कभी मीनिंग इस समाइम्स खाना लगा सकता हूँ सो समटाइम्स पापा सो वॉट वेन so when sometimes papa cook what i, I, can help is um, i can um, cook so kana lagata hu so i cook so in this way you can fill the table column tum kya banati इन बच्चों की जहक तुम होती तो खाने के लिए कौन से तीन पकवान बनाती सो व्हाट डू यू कुक तुम क्या बनाती मीनिंग वॉट डू यू कुक यू वेयर इन प्लेस ऑफ दिस चिल्ड्रेन देन वट थ्री डिशेज यू मेक टू ईट उन्हें बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती पता करो और सूची बनाओ सो यो व्हाट डू यू नीड टू मेक दैम फाइंड आउट एंड लिस्टअप सो पकवान का नाम मीनिंग इज डिश नेम किन चीज़ों की जरूरत होगी विच थिंग्स विल बी नीडेड सब्जी सो पोटेटो वेजिटेबल्स फॉर दैट यूनिट आलू पोटेटो पकवान का नाम मीनिंग इस डिश ने किन चीजों की जरूरत हुई वॉट विल बी नीडेड सो फॉर आलू की सब्जी आलू इज पोटेटो So for aloo ki sabji you need aloo potatoes, Pyaj uh, onion, tel oil, masala spices, tomato tomato. So for puri, uh, for puri you need uh, flour, oil and pani, water. For raita you need boondi, dahi, curd and namak salt. You can also write any other uh, dishes you want like uh, uh, alva or whichever sweet you uh, you want you can write. मट्टा बनाए सो मट्टा मीनिंग इज दट वाटरी पार्ट सो इट इज लाइक बटर मिल्क सो बटर मिल्क मट्ट सो दटरी पार्ट दट विच मेक सरला ने कहा मैं दही का मट्टा चला दूंगी दही का मट्टा चलाने का मतलब है दही बिलोना दही से लस्सी या चाच बनाना सो सरला सेड so try, uh, to run the uh, to make the uh, curd to make the um, buttermilk from curd so what uh, she was doing like uh, dahi bilana meaning is so this is the this this is rai so when you when we stir with this uh, when you stir the curd with this you will be getting buttermilk lassi is um, lassi charge meaning is buttermilk so, Sarala, um, so to make this matta, what uh, things did Sarala need? So, you are going to write the name of the things which we uh, need to make a, a matta from dahi. So, that is curd. Uh, you need a dahi, uh, curd, rai is uh, this part. This is rai, chini is sugar, pani is uh, water, our burf is. इस सो ऑल दीज यूनी टू मेक दट बटर मिल्क नेक्स्ट बिलोना इस तीनों कामो में क्या फर्क है सो so बातचीत करो और पता लगाओ सो बिलोना मीनिंग बिलोना इज दिस दिस इज बिलोना ओके So, what is the difference between these words you are going to discuss? Bilawna, you know, this is Bilawna. Dissolving is, um, so we'll see, I have written a few uh, sentences about that. We will see what it is. So, Bilawna is um, the thing which we, um, so this part, so you will have a long uh, uh, one. Uh, wooden part and uh, here also you will be having uh, one uh, wooden part so this will be tied with a rope that is bilona golna is dissolving so when you put um, sugar or salt in uh, water that will be dissolved no that is dissolving now uh, meaning is shuffling so shuffling is when you do omelette uh, you will be shuffling uh, the tomato onion and uh, vegetables that is shuffling

so which uh, soak so you can uh, so you, you you can make that process below the process in dahi and dal so which dissolves in water dissolves so doodh mein chini so um, sugar in milk and pani mein namak chini so water in sorry uh, sugar and salt in water so which you can um, stir or shuffle सो so, पानी के साथ बेसन और सिनेमन हनी सो दिस यू कैन स्टिर और शो सरला ने रई से मटा बिलो ब रई को मतनी भी खाते हैं सो सो इन हिंदी से दिस रई सो अदर किचन यूटिलिटीज टू डिस्कस इन योर क्लास अबाउट दैट इन योर ओन लैंग्वेज सो विच एवर इज यूज सो so, रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं सो व्हाट अदर वेसल्स आर यूज सो विच आर यूज इन इन योर इन द किचन इन योर हाउस सो दैट इज इन योर ओन लैंग्वेज कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ सो यू आर गोइंग टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट सो व्हाट अदर थिंग्स लाइक राई यू हैव इन योर किचन नेक्स्ट आवो तुकबंदी करो सो so, लेट्स राइम तुकबंदी इज राइम सो so, नाटक में बच्चों के बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है जैसे सो दे इन द्ले द चिल्ड्रन ऑफ से मेनी टाइम्स द पोएम लाइक टिंकू ने पकाई बड़िया चुन्नू ने पकाई दाल टिंकू की बड़िया जल गई चुन्नू का बुरा हाल so now you are going to uh, add something in the following lines like this rhyming things you are going to add something like this here so i'll say the meaning alone so you can try uh, you can write similar thing and you, you can write it in your notebook gaddi meaning is bell bell uh, rings like tan 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 so chudi is bangle so bangle sound is kan 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 कहाँ चले बइ कहाँ चले सो वेर डिड यू गो दो तीन न ही चार बले सो टू थ्री नॉट फोर गुड सो रेल चली बइ रेल चली ट्रेन गोस ट्रेन गोस मची यात्रियों में कल बली सो ट्रबल अमोंग दि ट्रैवलर्स कल की छुट्टी परसों इतवार सो मीनिंग इज टुमारो इज हॉलिडे डे आफ्टर टुमारो क्या होगा हो जब आएगा सोमवार सो वॉट विल हैपन मंडे कम्स रोटी दाल पकाए खाएंगे खिलाएंगे सो वी कैन मेक रोटी एंड विल ईट एंड फीड सो दिस इज अ राइमिंग इजेंसेस गिवन यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन सेंटेंसेस इन बिटवीन एंड फिल दिस सो होप This chapter uh, textbook solutions is clear. If you have any doubt, you can just uh, comment in the comment section. Hope this video is useful. We'll see in the next video. Thank you all. Thank you. Bye.